इस वीडियो में हम जैसे ये रिएक्शन गिवन है अमोनिया की फॉर्मेशन की उसकी इक्वेशन लिखनी है किसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, लिए। सबसे पहले आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स देखने हैं जो रिएक्टेंट्स होंगे रेट का आपको पता है डिवाइडेड बाय टाइम हम करेंगे रेट रिएक्टेंट्स का कैसे निकालना है कॉन्सनट्रेशन जो रिएक्टेंट्स की है वो हमेशा डिक्रीज़ होगी और दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स में जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करेगी सबसे पहले आपने नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय टाइम क्योंकि एज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम चलेगा तो कंसंट्रेशन ये स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखी है ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ कर रही है सिमिलरली डी बाई डी हाइड्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज़ कर रही है और दूसरी साइड जो प्रोडक्ट है अमोनिया फॉर्मेशन का यहाँ पे तो अमोनिया की कॉन्सनट्रेशन इनक्रीज़ कर रही है तो ये प्लस और माइनस हमें इनक्रीज़ और डिक्रीज़ शो कर रहे हैं यहाँ पे स्टोक्योमेट्री को ओवरऑल डिवीज़न में लेके आना है कॉन्सेंट्रेसन के जो टू आएगा इधर तो इस तरह से आपने रेट ऑफ रिएक्शन का किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए यहाँ पे शो करना